हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, 5 लाभार्थियों को वितरित किया गोल्डन ई कार्ड, कहा मिनी एम्स के रूप में विकसित होगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज। दूसरे व्यक्ति का फोटो और डीएल लगाकर बैंक अकाउंट खोलकर फर्जीवाड़ा करने वाले दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक चर्चित डॉक्टर कफील खान भी शामिल, सीओ कैट ने किया खुलासा। महंत दिग्विजय नाथ एवं अवैध नाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह पर आयोजित लोक कल्याण भारतीय संस्कृति की विशेषता विषय पर आधारित संगोष्ठी में बोले सीएम योगी ने कहा लोक कल्याण एवं लोक मंगल को समर्पित था दोनों संतों का जीवन। शोधार्थी छात्र द्वारा शिक्षकों पर लगाए गए आरोपों की शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किया मांग। 19 पेटी हरियाणा निर्मित शराब, 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस के साथ 3 शराब तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसएसबी ने किया खुलासा। विहिप और बजरंग दल 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगा युवा संस्कार सप्ताह, युवाओं को नशा मुक्ति का दिया जाएगा मंत्र। धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक निकाली गई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा, ढोल नगाड़े की धुन पर नाचे श्रद्धालु। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अंतर्गत लड़कियों को बंधन से मुक्त और जागरूक करने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चलाई गई पैड यात्रा। और पश्चिम बंगाल में छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला।